अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सबा खान। आप सबका इस्तकबाल है न्यूज़ वन तेलंगाना में। हमारी हर खबर से बाखबर रहने के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। अब चलते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ। पुराने शहर रिद्धि बाजार में रजा शूटर के बेटे राउडी शूटर बख्तियार आगा के कत्ल की वारदात। छह लोगों की हुई गिरफ्तारी। फर्रुडाउन के कत्ल का लिया गया इंतकाम। दीगर दो अफराद इंक्लूडिंग एक खातून को पुलिस ने बताया है फरार। गिरफ्तार शुदगान में दो राउडी शूटर्स भी है शामिल। जी हां, कत्ल की यह वारदात 7 अक्टूबर की रात को ओल्ड सिटी के भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स रिद्धि बाजार कुमारवाड़ी में पेश आई थी, जहां याकूतपुरा इमामबाड़ा में रहने वाले रैन बाजार पुलिस स्टेशन के एक राउडी शूटर सैयद बख्तियार आगा कुरैशी अलियास मोहम्मद को मुहल्लिक हथियारों से हमला करके सरेआम सड़क पर मौत के घाट उतार दिया गया था। कत्ल की इस वारदात में पुलिस ने जुमला 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने आगा कुरैशी के कत्ल में इस्तेमाल किए गए 4 चाकुओं के अलावा 1 स्प्लेंडर बाइक, 1 होंडा एक्टिवा और 5 मोबाइल वगैरह को भी जब्त कर लिया है। साल 2014 मार्च के महीने में याकूतपुरा में छोटा पुल के पास जवाहर नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक राउडी शूटर परवेज अलियास फर्रुडाउन के कत्ल की वारदात पेश आई थी और फर्रुडाउन के मर्डर के बाद मकतूल आगा कुरैशी दुबई चला गया था, क्योंकि बख्तियार आगा कुरैशी ने फर्रुडाउन के मर्डर की प्लानिंग भी की थी और वो 8 साल बाद जैसे ही वेकेशन पर हैदराबाद आया हुआ था। साल 2022 में 7 अक्टूबर की रात को फर्रुडाउन के लोगों ने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर बख्तियार आगा कुरैशी को भी टपका दिया, जबकि आगा कुरैशी के मर्डर केस में 2 लोगों अब्दुल गनी बेग और फिर मोमिना को पुलिस ने फरार बताया है। अब्दुल गनी रोडिस्टर परवेज अलियास फर्रुडाउन का वालिद और फिर मोमिना फर्रुडाउन की दूसरी बेवी बताई जाती है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन PSI चैतनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसकी तफसील बताई है, तो चलिए सुनते हैं DCP मजीद क्या कहते हैं। आज ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने भवानी नगर पुलिस के साथ 6 अक्यूज को पकड़ा था। आनंद अग्रवाल, मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कयुम्बा, मिर्ज़ा फैज अली बेग अलियास अलीबा, सैयद यूसुफ आज़र, मोहम्मद शोएबुर रहमान, जो ये छः लोग ये सैयद बख्तियार आगा कुरैशी का मर्डर पे अक्यूज थे, उनके सिलसिले पे इन लोग अक्यूज थे तो इनको पकड़ा था। जो अक्यूज का इसमें आनंद अग्रवाल है, उनके राउडी शूटर थे शालीबंडा PS में और उनके ऊपर बहुत सारी केसेस है। NDPS लास्ट केस है 2019 पे NDPS एक्ट का केस है शंकरपल्ली पे, और 2020 में 379 का केस है बेगमपेट में। A2 जो है मोहम्मद अब्दुल अंसर अलियास कयुम्बा, ये AC टेक्नीशियन है, ये PD एक्ट पे भी जेल गया हुआ था। A3 मिर्ज़ा फैज अली बेग अलियास अलीबा, जो है वो ऑटो ड्राइवर का काम करते हैं और एक 307 केस में गोलकोंडा PS में अक्यूज थे। सैयद यूसुफ A4 जो है वो रैपिडो ड्राइवर पे काम करते हैं। A5 अजहर, ये रोडी शीटर है भवानी नगर PS में और 2017 में 379 केसेस पे इन्वॉल्व है, 4 379 केसेस पे और एक 302 केस पे भी इन्वॉल्व है और इनको ऑलरेडी PD एक्ट पे एक बार भेजा गया था। A6 जो है मोहम्मद शोएब उर रहमान जो है चंचलगुड़ा पे रहते हैं, उसके साथ 2 अपस्कॉन्डिंग अक्यूज है, अब्दुल गनी जो लेट मोहम्मद परवेज या अलियास फरूक का फादर है और मोमिना सेकेंड वाइफ मोहम्मद परवेज या फर्रुख का सेकेंड वाइफ, दोनों अक्यूज है। हिस्ट्री डिजीज़ का हिस्ट्री है, ये इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी वैसे हुआ, ये मोटिव क्या हुआ। A1 डिजीज रॉडी शूटर जो मोहम्मद परवेज अलियास फर्रुख 2020 में जिसका डेथ हुआ उनका एसोसिएट है, और जो डिजीज सैयद बख्तियार आगा कुरैशी जो अभी जिसका मर्डर हुआ था उसका ये आगा और परवेज मिलके फर्रुख ब्रदर को 2014 पे मारा था। 3 महीने बाद फर्रुख ने खुशरू को मारा था। 2021 में फर्रुख का मर्डर हुआ था, उस टाइम पे जो डिसीज्ड कुरैशी जो आगा कुरैशी है वो
दुबई पे थे, बट इन लोग का डाउट था कि आगा कुरैशी का इन्वॉल्वमेंट था, तो ये A1 to A6 प्लान बना के उसको इस महीने 4 तारीख को रात को 11:20 पे अनमोल होटल पे उसको रेकी करके उसको पकड़ के उसके ऊपर A1 to A3 चाकू लेके हमला किया। उसके बाद चाकू छोड़ के वो होंडा बाइक पे वहाँ से भाग गया। A1 to A4 वहाँ जो A4 का बाइक है होंडा एक्टिवा पे उन लोग भाग गए थे, और A3 का घर पे सारी कपड़े उन लोग ने छुपा दिया। बाद में हमारा टास्क फोर्स को एक अक्यूज पे A6 का अक्यूज पहले मिला था, उनका टिप ऑफ में बाकी लोगों को भी हम लोग पकड़े थे। ये सारी प्रोसेस में हम लोग को 4 नाइफ, 1 होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल, 5 सेलफोन्स सीज किया गया, और एक स्प्लेंडर व्हीकल को स्पॉट से हम लोग सीज किया। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।